भारतीय टीम के खिलाफ WTC फाइनल खेलते हुए लाइव मैच में हुआ लंदन के मैदान पे ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव स्मिथ का निधन, उसके बाद पूरे क्रिकेट जगत में फैल गया मातम और शोक की लहर। दोस्तों अभी जानना चाहते हो आखिरकार ऐसा कब और कैसे हुआ, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इंडिया की टीम ने टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था WTC के फाइनल में, जिसका नतीजा ये हुआ ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बड़ा स्कोर बनाया पहली पारी में 469 रन का, जिसमें त्रिवेश छड़ ने 163 रन लगाए थे और उसके बाद स्टीव स्मिथ ने भी शतक ठोक दिया था, पहली पारी में लगाए थे 121 रन, जिसमें टीम इंडिया की ओर से मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट चटकाए थे और पहली पारी में टीम इंडिया ने बनाए तीसरे दिन के खेल खत्म होने से पहले 296 रन और टीम इंडिया अब भी 173 रन से पीछे थी और तीसरे दिन के खेल खत्म होने से पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बना दिए दूसरी पारी में 123 रन 4 विकेट के नुकसान पे, जिसमें स्टीव स्मिथ ने 34 रन लगाए। ऑस्ट्रेलिया की टीम 296 रन से अब आगे हो चुकी है। दोस्तों पूरा वाक्य उस वक्त का है जब स्टीव स्मिथ बल्लेबाजी कर रहे थे, सामने से गेंदबाजी कर रहे थे रविंद्र जडेजा। दोस्तों रविंद्र जडेजा की एक गेंद सीधा हेलमेट पे जाके लगी स्टीव स्मिथ के और दोस्तों उसके बाद स्टीव स्मिथ तुरंत मैदान से बाहर गए और 5 मिनट बाद मैदान पे वापस आए, जान जाते जाते बची स्टीव स्मिथ की।